सबके चहेते सबकी जान द किंग खान शाहरुख खान का ये है लेटेस्ट फोटोशूट जो आ रहा है जी सिने अवार्ड्स के हवाले से, जो अवार्ड्स ऑलरेडी हो रहे हैं और जवान को उसका जो ड्यू रिस्पेक्ट था ना वो फाइनली मिलता नजर आ रहा है। चाहे वो दादा साहब फाल्के अवार्ड्स थे, चाहे वो एस्ट्रा अवार्ड्स थे, चाहे अब जी सिने अवार्ड्स है, फिल्म फेयर वालों को शर्म जरूर करनी चाहिए। वो ऐसा लगा नहीं कि जवान को एक अवार्ड मिलना चाहिए। सो खैर इस सब पे बातचीत होगी, साथ साथ में जो रोस्ट हुआ था फिल्म फेयर का, मैंने आपसे कल एक रोस्ट किया था उसके ही एक्सटेंशन में बात करने वाली हूँ। शाहरुख खान हाउ इज ही Defying his age and his stage performances, सब कुछ इस वीडियो में, वीडियो का अंत तक जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। बात करेंगे सबसे पहले किंग खान ने जो मेहनत डाली थी जवान में। देखो वो फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसको हर जने ने, हर एज ग्रुप ने, हर बंदे ने सराहा था, क्योंकि उस फिल्म ने कह लो कि एक तरीके से जो वॉइस थी, वॉइस ऑफ पब्लिक थी, वो निकाल कर रखी थी व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल मैसेजिंग, व्हेन इट कम्स टू एक्शन। राठौर का कैरेक्टर जो था या आजाद का कैरेक्टर जो था, उससे हर बंदा रिलेट कर रहा था। उसकी जवान जब रिलीज हो रही थी, उससे पहले अगर हम थोड़ा और पहले जाएं, पठान की बात करें, पठान से मैंने आपसे कहा था कि शाहरुख खान रिडीम्ड द फिल्म इंडस्ट्री, कॉन्फिडेंस वापस लेकर के आए थे वो इंडस्ट्री। एक वेव चल रही थी बॉयकॉट बॉलीवुड, अगर आपको याद है, बॉयकॉट बॉलीवुड एक ऐसी वेव थी जिसकी चपेट में बड़ी बड़ी फिल्में आई थी और अच्छी फिल्में भी आई थी। आप आज के समय में भी अगर आप लाल सिंह चड्ढा एक फिल्म आप खोल करके देखते हो ओटीटी पर, तो आज भी आपको वो फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, उसके गाने बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो फिल्म उस वक्त बॉयकॉट बॉलीवुड के चपेट में आ गई थी, बॉयकॉट आमिर खान के चपेट में आ गई थी, इसलिए वो फिल्म का डिजास्टर हो गई। वो भी शायद आप मेरी बात से अग्री करोगे कि कुछ फिल्में ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस वेव के चलते फ्लॉप हो गई, लेकिन फिल्में बहुत अच्छी हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया लाल सिंह चड्ढा। दूसरा एक और फिल्म जो बहुत क्रिटिसाइज हुई थी लेकिन नंबर्स कर गई थी, वो थी ब्रह्मास्त्र। वो फिल्म को लेकर भी लोगों का उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या कहना था, लेकिन फिल्म आप आज के समय में जब देखोगे आपको समझ में आएगा यार ऐसी तो कोई फिल्म नहीं थी जिसके अगेंस्ट इतना कुछ हुआ। और उसके बाद आई पठान, और आपको याद होगा जब पठान आ रही थी बॉस, शाहरुख खान को सब ये समझा रहे थे, एसआरके को सब ये समझा रहे थे, सर आप प्लीज इसका नाम बदल दो, सर आप ये बिकनी वाला सॉन्ग ही काट दो, ऑरेंज बिकनी वाला, नहीं तो फिल्म डिजास्टर हो जाएगी। बट शाहरुख खान डिड नॉट बज, मान करके चल रहे थे जो होगा होगा, मैं उससे परवाह नहीं करता, लेकिन मुझे अपनी फिल्म ऐसे ही रिलीज करनी, इसका नाम पठान ही रहेगा और ये सॉन्ग भी इसमें रहेगा। और वही हुआ, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो भारी पड़ गया एक नेगेटिव वेव के ऊपर, जो ऑलरेडी बहुत बड़ी वेव थी उसके ऊपर शाहरुख खान पूरे भारी पड़ गए। और भाई पठान ने जो बिजनेस किया, पठान जो जिस तरीके की ब्लॉकबस्टर हुई, लोग देखते रह गए, कई सारे दरवाजे खुल गए, जैसे वाईआरएफ के बारे में रानी मुखर्जी बोलती है कि वाईआरएफ को भी एक तरीके से रिवाइवल मिला विद पठान। आफ्टर दैट सिंगल स्क्रीन्स बहुत सारी रिवाइव हुई हमारे देश। फिर जब भाई जवान, तो भाई जवान ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए, देख क्या एक्शन, क्या लुक, क्या कहानी, क्या सोशल मैसेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। उसके बाद सबका ये कहना था कि यार ये फिल्म तो मतलब हर अवार्ड लेकर के जाएगी, हर अवार्ड लेकर के जाएगी। लेकिन जब फिल्म फेयर हुए, फिल्में बहुत सारी आई थी, अच्छी फिल्में भी थी, एनिमल मुझे भी पसंद थी, लेकिन मैं एटलीस्ट जवान, मतलब मैं शाहरुख खान के लिए मैं अवार्ड आई वॉज रूटिंग फॉर इट, एंड व्हेन इट डिड नॉट हैपन भाई सबके दिमाग घूम गए। तो फिर सोचा गया होगा दोबारा से कि भाई कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, इस फिल्म को तो मिलना चाहिए था अवार्ड। फिर उसके बाद फाइनली हमने देखा कि जवान को एस्ट्रा अवार्ड हो गए या दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गए, अब जी सिने अवार्ड ने शाहरुख खान एंड जवान अनिरुद्ध रविचंद्र को भी अवार्ड मिला है। एटली की स्पीच हुई है जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के लिए जो बातें बोली हैं, हर बार सुनकर ना बहुत अच्छा लगता है कि ही इज सो ओवरवेल्म्ड विद दिस विद द किंग खान। देन उसके बाद बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं एसआरके की जो सामने आ रही, देख के लगता है भाई यार ये बंदा, इनकी एनर्जी लेवल जो शुरू में हमने देखा था इतने साल पहले जब वो इंडस्ट्री में एंटर किए थे, वही दिखता है आज भी। इस फोटोशूट की अगर बात करें, एक इसमें चार फोटोज हैं, इसमें एक फोटो ऐसी है सच में मुझे देख के लगा कि आर्यन खान खड़े हैं। फाइनली जवान इज गेटिंग इट्स ड्यू, फाइनली शाहरुख खान इज गेटिंग इट्स ड्यू, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट। आपका क्या इस पर रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।